सदर उपनिर्वाचन रिटर्निंग अफिसर भाव बालेश्वर उपजिला आशीष ईश्वर पाटिल विधिवत भाव विज्ञप्ति जारी करिसेंति। विज्ञप्ति अनुसार आसंता 16 तारीख पर्यंत सरकारी छुट्टी दिवस व्यतीत प्रतिदिन पूर्वाह्न 11टा अपराह्न 3टा पर्यंत प्रार्थीपत्र दाखल हेबो। 17 तारीख में नामांकन पत्र जांच, 18 और 19 तारीख प्रार्थीपत्र प्रत्याहार एवं नवेम्बर 3 तारीख में भोट ग्रहण पर 10 तारीख में भोट गणति उपजिलापाल विज्ञप्ति प्रकाश करिसेंति। हमारा आज 38 बालेश्वर असेंबली कन्स्टिट्युएंसी आज नोटिफिकेशन होगा बेड रु आज इलेक्शन लगी 16 तारीख पर्यंत आमर नॉमिनेशन फाइल हे 17 तारीख में स्क्रूटिनी हेब 19 तारीख आम लास्ट डेट अच्छी विथड्रॉल नॉमिनेशन पर एवं इलेक्शन कमिशन अलग रूल अच्छी तो खाली नॉमिनेशन पर जड़े कैंडिडेट आउ ता संगे दुई जन आसीपारे ताठू अधिक कई आसीपारे तापर गाड़ी जोटा अच्छी विदिन 100 मीटर फेरी पारी खाली दुईटा गाड़ी आसीपार ताठू कई अधिक आसीपारे जे मैंने आसवे समस्ते मास्क पिंधिके आसवे आउ सोशल डिस्टेंसिंग पूरा मेन्टेन हेब ता भितर सब आम सीसीटीवी अरेंजमेंट होते बाहर सीसीटीवी अरेंजमेंट हो जेहेतु इलेक्शन कमिशन भी जापर कि सोशल डिस्टेंसिंग कोविड गाइडलाइंस और जोटा नॉमिनेशन रा गाइडलाइंस अच्छी सेटा फॉलो हो कि नहीं। तबे प्रथम दिन में कौन से राजनीतिक दल रु कि स्वाधीन भाव कई प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करनापड़ी। अंपक्ष निर्वाचन कमिशन निर्देशानुसार मात्र दुईज को नहीं जड़े प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करें। प्रार्थीपत्र दाखल बेले समर्थक और कर्मी भिड़ जमी रिटर्निंग अफिसर कार्यालय न हुए से जिला पुलिस पक्ष विहित पदक्षेप नि एने मुख्य रास्ता ठार् जिलापा कार्यालय पर्यंत बारिकेड कर सहित पुलिस और फोर्स मुतयन होता देखा मिली। तेज आसंता 16 तारीख सुधा मोट केतेज प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करेंगे स्पष्ट भाव जमापड़।